नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। औरैया दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह ये है कि एक दिन पहले फ्राइडे को उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि कोई भी असुरक्षित वाहनों से या पैदल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जिलाधिकारियों से कहा गया था कि जो बॉर्डर के जिले हैं वहाँ पे 200 बसों का अतिरिक्त इंतजाम करें और इसके लिए फंड की भी व्यवस्था करें और जो भी मजदूर आए उन्हें जो है बसों से भेजा जाए। बट फ्राइडे को उनका ये निर्देश आया, सैटरडे की सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे ये दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद मथुरा और आगरा के SSP और एडिशनल SP और पूरे जिला प्रशासन से पूछा गया है कि आपके जिले से ये गुजरे आपको पता नहीं चला, और फिर जो है दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। खैर, ये तो प्रशासनिक काम काज है, गाजगिरी क्योंकि वो सतर्क नहीं रहे। बट अब एक बात का ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में अब कोई मजदूर पैदल भी नहीं चल पाएगा, न ट्रक से चल पाएगा। जहाँ भी वो दिखाई देंगे चलते हुए पुलिस उन्हें रोक देगी, क्योंकि जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि असुरक्षित यात्रा नहीं होनी चाहिए। और जिलाधिकारियों से फिर कहा है कि आप जो है जो भी बॉर्डर के जिले हैं वहाँ पे 200 अतिरिक्त बसों का इंतजाम रखें। इसी बीच में जो कांग्रेस नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने योगी जी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि नोएडा और गाजियाबाद से ये बॉर्डर के जिले हैं, यहाँ से 500 मजदूरों को पहुँचाने के लिए बसें चलाई जाए और जो भी उसका खर्चा होगा वो कांग्रेस बियर करेगी। पिछले दिनों भी कांग्रेस ने कहा था कि यदि रेलवे का किराया मजदूरों से वसूला जाना है तो कांग्रेस उनका किराया देने के लिए तैयार है, उसको लेकर के काफ़ी राजनीति हुई। हालांकि उसके बाद भी मजदूरों से किराया वसूला जाता रहा, लेकिन एक बात है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी सख्त भी हैं और जिला प्रशासन से उनकी अपेक्षा है कि जो कहा जा रहा है उसको लागू कीजिए, मजदूरों को असुरक्षित मत चलने दीजिए चाहे इस पर जितना पैसा खर्च हो। बट अब दूसरा पक्ष सुनिए, क्या दिक्कत क्या है। पुलिस का कहना यह है कि मान लीजिए कोई मजदूर ऑफ द रिकॉर्ड, मान लीजिए एक मजदूर या मजदूरों का झुंड, कई मजदूर, बहुत सारे मजदूर सड़क से जा रहे हैं, हम उनको रोकते हैं कि आप नहीं जा सकते, तो फिर हम उनको कहाँ रखें। इतने जो क्वारंटीन सेंटर हमारे बने हुए हैं उनमें इतनी जगह नहीं है कि हम उनको रख सकें। चलिए खिलाने पिलाने के इंतजाम कर लेंगे, रखें कहाँ सुरक्षित, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कैसे करेंगे, आदेश तो मिल गया। व्यवहारिक दिक्कत ये आ रही है कि मजदूरों का इतना सैलाब आ रहा है अलग अलग जगहों से, हरियाणा से अलग आ रहा है, पंजाब से अलग आ रहा है, दिल्ली और राजस्थान से अलग आ रहा है, मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर का इलाका है उधर से अलग आ रहे हैं मजदूर। तो जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चूंकि इसमें संक्रमण का ही सबसे ज़्यादा खतरा है कि उनको संक्रमण से कैसे बचाएं, उनके कैसे क्वारंटीन करें, उनका कैसे चेकअप कराएं, कहाँ रखें, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं। ठीक है, बॉर्डर के जिलों पर 200 बसों का इंतजाम हो गया, लेकिन यदि मजदूरों का सैलाब इतना आ गया कि 200 मजदूर में नहीं आ पाया तो चलिए अतिरिक्त बसों का आपने इंतजाम कर लिया। बट ये जो समस्याएं हैं, क्वारंटीन कैसे उनको करें, रखें कहाँ, खिलाने पिलाने की चलिए बात छोड़ दीजिए, फिर उनको कैसे भिजवाएं, मान लीजिए बिहार के मजदूर है, बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। और इन सब चीज़ों का इलाज यही है कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, बट उसमें पता नहीं राज्य सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, रेलवे को क्या दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने जब सख्त रुख अपनाया तो दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ FIR हुई है और सख्त धाराओं में हुई है, ताकि ट्रक वाले भी जो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो बंद हो, एक पहली बात। लेकिन इससे मजदूरों की परेशानी बढ़ने वाली है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखते हैं कितना क्रियान्वयन होता है, कैसे मजदूरों को खाना पीना रहने की व्यवस्था की जाती है और इस पर नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।